काहे आए हैं यहाँ पे? हम हेलीकॉप्टर के लिए देखने के लिए आए हैं कि मेरा संपत्ति गिर गया और आई विधानसभा में। दुर्घटनाग्रस्त सेना के जवान के हेलीकॉप्टर को देखने पहुंचे नागेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा, हमारी संपत्ति है उसे देखने आए हैं। नमस्कार, मैं मनुभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आपको बता दें कि बाढ़ की त्रासदी के बाद सेना के जवान बाढ़ पीड़ितों को के बीच राहत सामग्री लेकर 2 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा पहुंचे थे, जहां वह बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण कर रहे थे। इसी दौरान सेना का जो चौपर हेलीकॉप्टर था उसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के घनश्यामपुर पंचायत के मधुबन बेशी गाँव में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिसके बाद आनंद फानंद में SDRF की टीम ने हेलीकॉप्टर में फंसे चारों सेना के जवानों का रेस्क्यू किया था। अब हेलीकॉप्टर 4 दिनों से उस पानी में है और जब तक पानी का स्तर जो है वह कम नहीं होगा तब तक उस हेलीकॉप्टर को नहीं निकाला जाएगा। हालांकि उस हेलीकॉप्टर की निगरानी के लिए तत्काल 2 दर्जन पुलिसकर्मी की नियुक्ति वहां की गई है, जो 3 शिफ्टों में वहां अपनी जो है ड्यूटी करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। सेना के जवान भी वहां पे मुस्तैद है। तो वही बता दें कि वो जो सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी, अब उसको देखने के लिए रोज वहां पे हजारों लोग पहुंच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और उनका कहना है कि हमारी संपत्ति गिर गई है, हमारे देश की संपत्ति गिर गई है, इसलिए हम उसे देखने पहुंचे हैं। पूरे मामले को लेकर वहां के स्थानीय क्या कुछ बता रहे हैं और पुलिसकर्मी जो ड्यूटी में तैनात है उनका क्या कुछ कहना है, पहले उनकी बातों को सुनाते हैं। काहे आए हैं यहाँ पे? हम हेलीकॉप्टर के लिए देखने के लिए आए हैं कि मेरा संपत्ति गिर गया और आई विधानसभा में। मेरा नाम हो गया नागेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ नागेश्वर यादव। तो यहाँ पे आए हैं हेलीकॉप्टर देखने के लिए? जी जी। क्या जानकारी आप लोगों को मिली? जानकारी मिला जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गई है, जवान जो है 4-5 को बहुत सीरियस में है। हमने भगवान को कहा, हे भगवान, हमारे जवान सबको कुछ नहीं होना चाहिए। उसके नाम पर हनुमान मंदिर एक बड़ी कोटी चौक पर है, उनके यहाँ फूल चढ़ाए के, हे प्रभु, वो जवान हमारे देश का जवान है और सुरक्षित चला जाए। किसी का बच्चा है, वह मेरा ही बच्चा है, कहे देश में कुछ है नहीं, अभी पानी ही पानी है, इसीलिए जवान जनता के लिए सुरक्षा के लिए आए हुए था, इसीलिए जनता का भी सुरक्षा, भगवान का आशीर्वाद लड़का सबको मिल गया। यहाँ पे ड्यूटी में लगे हुए हैं आप लोग? जी। कितने जवान होंगे यहाँ पर तैनात अभी ड्यूटी में? काउंटिंग तो हम नहीं बता सकते, हमारे पूरी वरीय पुलिस पदाधिकारी बताएंगे। और हम लोग शिफ्ट में लगे हुए हैं, हमारी शिफ्ट है 2 से 10। 2 से 10 शिफ्ट, मतलब 3 शिफ्ट में यहाँ पे लोग रह रहे हैं। एयरफोर्स के भी जवान यहाँ पर हैं? एयरफोर्स के भी जवान लोग आए हैं, वो भी लगे रहते हैं। अच्छा, और यहाँ पे लोग भी, भीड़ भाड़ भी है यहाँ पे, काफी लोग आ रहे हैं देखने के लिए? हाँ, रास्ता है, आने जाने वाले आते हैं, रुक कर देखते हैं और फिर चले जाते हैं। वहाँ तक जाने का इजाजत है कि नहीं? नहीं, वहाँ तक जाने का इजाजत नहीं। क्या नाम है? SI दीपक कुमार। आपने सुना कि स्थानीय लोग और ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी क्या कुछ कह रहे थे। वहीं आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को सेना का हेलीकॉप्टर चौपर बाढ़ पीड़ितों के बीच बाढ़ राहत सामग्री का वितरण कर रहा था, गिरा रहा था, पहुंचा रहा था। इस दौरान उसमें अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद उसे मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के घनश्यामपुर पंचायत के मधुबन बेशी गांव में पानी के बीचों बीच इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। गनीमत यह रही कि जहां पे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई सेना के हेलीकॉप्टर को, उससे कुछ ही दूरी पर SDRF की टीम स्थानीय लोगों का रेस्क्यू कर रहा था, जिसकी नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद आनंद फानंद में SDRF की टीम मौके पर पहुंची थी और हेलीकॉप्टर में तैनात तीनों सेना के जवान और चालक को लेकर रेस्क्यू किया था। और आनंद फानंद में उसे इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के SKMCS भेजा गया था, जहां से फिर उन्हें सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से गोरखपुर के सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। न्यूज फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।